हिमाचल ने तपस्या की माँ भगवती की। और कहते ऋषियों एक वर्ष तक लगातार निराहार रह करके जब हिमाचल ने तपस्या की तो 8 भुजा धारण करके, कितनी भुजा धारण करके, माँ चंडिका जी ने पर्वतराज को दर्शन दिया। हे पर्वतराज मांगो, क्या मांगती हो? तो पर्वतराज ने कहा, भगवती आप तो पूरे जगत की माता हैं, आप तो पूरे जगत की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बनकर, मेरी कन्या बनकर के आप मेरे घर पधारो। तपस्या करने के बाद क्या मांगा बोलो? बेटा भी मांग सकते थे, क्या मांगा? बार करना बार बार तपस्या करके बेटी मांगी, क्योंकि बेटा केवल एक कुल का कल्याण करता है और बेटी दो कुलों का कल्याण करती है, मायके का भी और ससुराल का, दो कुलों का कल्याण कर बेटी मांगी। ध्यान देना, आपके पंजाब में सबसे ज्यादा जगराती होती है, सबसे ज्यादा जगराते बोलो, किसी भी देवी पे चले जाओ, नैना देवी, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, सबसे ज्यादा मिलेंगे पंजाबी। कौन मिलेंगे? और सबसे ज्यादा जय माता दी भी कौन करेंगे बोलो? माता की सबसे ज्यादा पति ने, मैं तेरे घर कन्या बन करके आऊंगी, लेकिन पहले तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा, पहले तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। माँ भगवती अंतर्ध्यान हुई, जिस रूप का हिमाचल ने दर्शन किया था वैसी ही मूर्ति बनाई और माँ की पूजा करने लगा। जैसे रूप को देखा वैसे ही बोलो। कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करने से क्या होगा, पत्थर पूजने से क्या होगा, उनको कुछ पता ही नहीं। हम पत्थर की पूजा नहीं करते हिंदू, नहीं, हम पत्थर में परमात्मा की पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी की घटी घटना। शंकर जी की शादी आज आई, भी जंगल करा देंगे, कौन सी तकलीफ, कौन से परेशान हो रहे हैं बेचारे शंकर जी।